नमस्कार मित्रों, ऋषि चिंतन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी साथे गायत्री महामंत्र का उच्चारण कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आज का चिंतन है, पहले अपने अंदर झांको। पुराने जमाने की बात है, गुरुकुल एक आचार्य अपने शिष्य की सेवा भावना से बहुत प्रभावित हुए। विद्या पूरी होने के बाद शिष्य को विदा करते समय उन्होंने आशीर्वाद के रूप में उसे एक ऐसा दिव्य दर्पण दिया जिसमें व्यक्ति के मन के भाव को दर्शाने की क्षमता थी। शिष्य उस दिव्य दर्पण को पाकर बहुत खुश हुआ। उन्हें परीक्षा लेने की जल्दबाजी में दर्पण को मुंह सबसे पहले गुरुजी के सामने ही कर दिया। वह यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि गुरुजी के हृदय में मोह, अहंकार, क्रोध आदि गुण परिलक्षित हो रहे थे। इससे उसे बड़ा दुख हुआ। वह तो अपने गुरु को समस्त दुर्गुणों से रहित सत्पुरुष समझाता था। दर्पण लेकर वह गुरुकुल के रवाना हो गया। उसने अपने कई मित्रों तथा अन्य परिचितों के सामने दर्पण रखकर परीक्षा ली। सबके कोई ने कोई दुर्गुण अवश्य दिखाई दिया, और तो और अपने माता व पिता की भी वह दर्पण से परीक्षा लेने से नहीं चुका। उन्हें हृदय में भी कोई न कोई दुर्गुण देखा तो वह हतप्रभ हो गया। एक दिन वह दर्पण लेकर फिर गुरुकुल पहुंचा। उसने गुरुजी से विनम्रता पूर्वक कहा, गुरुजी, मैंने आपके लिए दर्पण की मदद से देखा कि सबके दिलों में तरह तरह के दोष और दुर्गुण है। तब गुरुजी ने दर्पण का रुख शिष्य की ओर कर दिया। शिष्य दंग रह गया, क्योंकि उसके मन के प्रत्येक कोण में राग, द्वेष, अहंकार, क्रोध जैसा दुर्गुण थे। तब गुरुजी बोले, वत्स, यह दर्पण मैंने तुमने अपने दुर्गुण देखकर जीवन में सुधार लाने के लिए दिया था, दूसरों के दुर्गुण देखने के लिए नहीं। जितना समय तुमने दूसरों का दुर्गुण देखने में लगाया, इतना समय आदि तुमने स्वयं को सुधारने में लगाया होता तो अब तक तुम्हारा व्यक्तित्व बदल चुका होता। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि दूसरों के दुर्गुण जाने के ज्यादा रुचि रखता है, वह स्वयं को सुधारने के बारे में नहीं सोचता। इस दर्पण की यही सीख है जो तुमने समझ सके। दोस्तों, ये हम पर भी लागू होती है। हम में से भी ज्यादातर लोग अपने अंदर छिपी बड़ी बड़ी बुराइयों को, दुर्गुणों को, गलत आदतों को भी सुधारना नहीं चाहते, लेकिन दूसरों की छोटी छोटी बुराइयों को भी उसके प्रति द्वेष भावना रखते हैं, या उसे बुरा भला कहते हैं, या फिर दूसरों को सुधारने के लिए उपदेश देने लग जाए। तो सबसे पहला अपने अंदर झांको और अपनी बुराइयों को दूर करो। आज का दिन मंगलमय हो, मंगलमय हो, मंगलमय हो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।